बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैपस्वैप की न्यू अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, और उसी के साथ साथ जो न्यू यूज़र हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि हम टैप टैप करके किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, यह सारा प्रोसीजर जो है वो क्या है और कैसे है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्लिक क्लिक करके पैसे कैसे अर्न करेंगे। तो यहाँ पे टैपस्वैप जो है ये काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट हो चुका है। टैपस्वैप से पहले नॉट कॉइन आया था। नॉट कॉइन ने जो है 35 मिलियन की कम्युनिटी गेन की थी। नॉट कॉइन जो है सबसे पहला टैप टू अर्न प्रोजेक्ट था। उस पर आपने सिर्फ टैप टैप करना होता था तो आपको वहाँ पे पॉइंट दिए जाते थे। उसके बाद जब उसकी माइनिंग एंड हुई तो 1000 नॉट कॉइन पॉइंट जो है वो एक नॉट कॉइन टोकन के इक्वल हुए, और एक नॉट कॉइन टोकन की जो प्राइस है वो अभी इस वक्त जो है 3.3 पाकिस्तानी रुपीज़ है। ठीक है, अगर डॉलर्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे 0.012 डॉलर एक नॉट कॉइन टोकन की प्राइस है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट आता है तो वो टेलीग्राम पे आता है। ठीक है, उस पर वो अच्छी कम्युनिटी गेन करते हैं। कम्युनिटी गेन करने के बाद वो जो है कुछ एयर ड्रॉप जो है अपनी कम्युनिटी को फ्री के अंदर देते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने माइनिंग की, जैसा कि नॉट कॉइन के अंदर 33 मिलियन या 35 मिलियन लोगों ने माइनिंग की, तो नॉट कॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि बाहर की कम्युनिटी जो है, जो बिग इन्वेस्टर हैं, उनको पता चला कि इस किस्म का एक प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। ठीक है, तो उस पर जब टोकन लॉन्च हुआ तो कुछ टोकन जो है नॉट कॉइन की तरफ से फ्री के अंदर दिए गए, लेकिन कुछ टोकन जो है वो कम्युनिटी ने या इन्वेस्टर ने बाय किए, जिससे ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो फ्री के लोग होते हैं उनको एयर ड्रॉप से मिलता है प्रॉफिट, जो बाहर के या बिग इन्वेस्टर होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करके टोकन को बाय करते हैं। सेम नॉट कॉइन के बाद टैपस्वैप है। जितना प्रॉफिट नॉट कॉइन ने दिया उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है आपको टैपस्वैप जो है वो दे सकता है। टैपस्वैप की माइनिंग जो है अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे इनकी माइनिंग जो है वो 31 मई को एंड होना थी, लेकिन यहाँ पे कुछ इनकी ब्लॉकचेन के वर्किंग की वजह से यहाँ पे इनका जो माइनिंग है उसे 1 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। आपके पास 30 दिन है, आप सुकून से यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने टैपस्वैप को ज्वाइन किस तरीके से करना है, ज्वाइनिंग के लिए इसका ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे टैपस्वैप ने अपने जो है ट्विटर के अकाउंट पे ये ट्वीट किया कि जल्दी वहाँ पे उनके टैपस्वैप की माइनिंग ऐप पे एक मिशन आने वाला है, उस मिशन को आप परफॉर्म करके $600 तक का एक वाउचर जो है वो ले सकते हैं, जिसको आप बैनांस पे जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, स्पेशल मिशन, ठीक है, 3 मिलियन शेयर रिवॉर्ड, $600 ब्रांस वाउचर। तो ये टास्क जो है जल्दी टैपस्वैप की माइनिंग ऐप पे आने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक टैपस्वैप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, 30 दिन हैं आपके पास, अच्छा मौका है। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे आप माइनिंग करें। ठीक है, यहाँ पे टैपस्वैप की अगर टेलीग्राम की कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे इनके टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है वो 16 मिलियन से ज़्यादा इनके टेलीग्राम पे कम्युनिटी इनकी हो चुकी है। ठीक है, इनकी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। नॉट कॉइन के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वह टैपस्वैप की इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे जब हम अपनी माइनिंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपने टैप टैप करना होता है। ठीक है, टैप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको टैपस्वैप के जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टैपस्वैप पॉइंट दिए जाते हैं। ये टैपस्वैप पॉइंट जो है ये आपके टैपस्वैप टोकन के अंदर कन्वर्ट होंगे। उस टोकन को फिर हम वॉलेट के अंदर विड्रॉ करेंगे। कंपनी इस टोकन को डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, बनास एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी। जो हमें फ्री के अंदर टोकन दिए जाएंगे वो हम वहाँ पे सेल करेंगे, और जो भी USDT मिलेंगे उनको हम सेल करके पैसे जो होंगे वो हम अपने पाकिस्तानी अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर ईजी पैसा या जैस कैश के अंदर अपने डॉलर बेच के जो है वो विड्रॉ लेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री के अंदर माइनिंग करें। ठीक है, 30 दिन आपके पास हैं। सिंपली यहाँ पे आपने टैप टैप करके माइनिंग करनी होती है। यहाँ पे टैपस्वैप की जो पहले पार्टनरशिप थी वो सोलाना के साथ थी, और यहाँ पे हमने सोलाना का जो वॉलेट है वो फैंटम वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना था। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी देखने को मिलता था पावर्ड बाय सोलाना, लेकिन अब इसको ख़त्म करके पावर्ड बाय कम्युनिटी कर दिया है। टास्क वाली टैब के अंदर जब आप आते थे तो टास्क वाली टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता था कनेक्ट सोलाना वॉलेट या कनेक्ट फैंटम वॉलेट, तो अब उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा यूज़र के मैसेजेस आते हैं कि हमें वॉलेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, कि हम वॉलेट कैसे कनेक्ट करें, हमारा वॉलेट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ।
तो पहले जो वॉलेट कनेक्ट करना था फैंटम वॉलेट, वो उसको ख़त्म कर दिया है सोलाना के साथ। इनकी पार्टनरशिप जो है वो अभी थोड़ी कम हो चुकी है, या कह सकते हैं इनकी सोलाना के साथ पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ये न्यू ब्लॉकचेन पे अपने टैपस्वैप को लॉन्च करेंगे, हो सकता है ये टोन ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये अपने टैपस्वैप टोकन को जो है BNB स्मार्ट चेन या बनास स्मार्ट चेन पे भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से गेन हो रही है। यहाँ पे जैसे ही वॉलेट कनेक्ट का कोई न्यू ऑप्शन आता है तो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डिटेल वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे आपने अपना वॉलेट को किस तरीके से कनेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको मैं एक वार्निंग देता हूँ कि यहाँ पे आपने टैपस्वैप पे ऑटो क्लिकर यूज़ नहीं करना। ऑटो क्लिकर वो जो आप प्ले स्टोर से ऑटो क्लिकर की ऐप को डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे सेटअप करते हैं तो आपके कॉइन जो है वो ऑटोमेटिकली माइन होते रहते हैं, वो काम आपने नहीं करना। उसे ये होता है कि आपका टैपस्वैप का अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बूस्ट की टैब के अंदर यहाँ पे आपको ऑटो टैप बॉट मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैप बॉट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस टैप बॉट को आप एक्टिव कर सकते हैं। ये जो इनका अपना टैप बॉट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप प्ले स्टोर से कोई भी ऑटो क्लिकर या कोई भी इस किस्म का बॉट वगैरह यूज़ ना करें, जिसकी आपकी ऑटो माइनिंग होती है या माइनिंग की स्पीड जो है वो इनक्रीज़ होती है। क्योंकि टैपस्वैप वाले इस सिस्टम को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना एक न्यू सिस्टम ला रहे हैं जिसमें वो डिटेक्ट करेंगे वो तमाम यूज़र जिन्होंने ऑटो क्लिकर को यूज़ किया होगा, ऑटो बॉट्स को यूज़ किया होगा। अपने टैपस्वैप के ऑटो बॉट्स के अलावा कोई भी ऑटो बॉट या ऑटो क्लिकर यूज़ नहीं करना, आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप टैप टैप करके माइनिंग करते रहें, 30 दिन का टाइम है आपके पास, 30 दिन के बाद आपके टैपस्वैप पॉइंट टोकन के अंदर टोकन लिस्ट होगा, आप टोकन को सेल करेंगे, USDT लेंगे, USDT को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यह तमाम प्रोसेस जो होगा आपको मेरे YouTube चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपने दोनों को जो है वो फॉलो कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।